उचित मानदेय की मांग को लेकर अखिल भारतीय फार्मिस्ट ने आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश महासचिव ने बताया उनकी एक ही मांग है, मानदेय को बढ़ाया जाए, क्योंकि इनके ही समक्ष आयुष वाले का मानदेय इनसे अधिक है। महासचिव ने यह भी बताया कि वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक सूत्रीय मांग है, हमारा मानदेय बढ़ाना, क्योंकि हम लोग एक ही कार्यक्रम में आयुष फार्मासिस्ट और एएनएम साथ में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, लेकिन आयुष डॉक्टर की सैलरी जो है 20,000 से 44,000 कर दिया गया है और हमारा सैलरी अल्प वेतन पर छोड़ दिया गया है। तो हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि हमारा अल्प वेतन दूर कीजिए, हमारा भी सम्मानजनक वेतन हो, उसी के अनुपात में सरकार हमको भी दे, क्योंकि बिहार में मानदेय फार्मासिस्ट का सैलरी जो है 37,000 रुपया है और हमारा भी सैलरी उसी के बराबर होना चाहिए। एक जायज मांग है, इसी जायज मांग को लेकर हम लोग लगभग 50 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और सरकार की तरफ से हमारे कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं किया गया है। हम लोग चाहते हैं आज मंगल पांडे जी सर से मेरा मुलाकात हो, इसी का कारण उनका घेराव किए हैं और हमें इस समस्या से उबारें और हमको सपोर्ट करें, जो कि हम लोग भी अच्छे से काम पर अपने लौट सकें। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे का आंदोलन आपका क्या होगा? हमारा आंदोलन और उग्र होगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, इसके बाद भूख हड़ताल करेंगे, नहीं मानेंगे उसके बाद सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। जब हमको अल्प वेतन पर ही उनको रखना है तो अच्छा है कि हम लोग ना रहें तब काम पर। अभी कोई आपको आधिकारिक तौर पर लोग अंदर से मंगल पांडे की आवाज़ से कोई आए हैं कि नहीं, मुलाकात आश्वासन मिला है कि नहीं? अभी उनके एक अधिकारी हमको फ़ोन किए थे कि 2 बजे मंत्री जी सचिवालय में बुलाए हैं, क्योंकि अभी बाहर है इसलिए 2 बजे आने के लिए। तो अब तक हम लोग बोले ठीक है, हम लोग शांतिपूर्वक बैठते हैं, जब वो सचिवालय आ जाएंगे तो हम लोग जाएंगे मिलने। जिंदाबाद।